हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों तो देखिए, अभी सुबह का 10 बज रहा है तो हम बना रहे इधर सब्जी चावल, क्योंकि अंजलि नहीं थी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। हमारा भी तबीयत ख़राब है, अंजलि के बर्थडे के दिन हमारा तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार आ गया था और पेट में भी दर्द हो गया था। तो देखिए, अभी सुई दवाई हुआ है और सुई भी पड़ रहा है नस में दोनों टाइम, तभी सिरिंच लगा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था उस दिन। तो अभी लेट हो गया था खाना बनाने में। अंजलि सुबह गई थी ट्यूशन, स्कूल नहीं जाती है। जब से हमारा तबीयत ख़राब हुआ है तब से अंजलि ट्यूशन नहीं, स्कूल नहीं जाती है, खाली ट्यूशन जाती है। अभी ट्यूशन से आ गई है, आकर और इधर मसाला वसाला पीस रही है। सुबह का नाश्ता हो गया है, बिस्कुट और चाय बनाए थे अंजलि, तो सब बाबू भी खा लिए हैं बिस्कुट चाय और हम भी खा लिए हैं, क्योंकि सुई लगवाना था नस में सुबह में, तो हम चाय बिस्कुट खाकर सुई ले लिए हैं। और इधर बना रहे हैं अभी सब्जी चावल, इधर बाबू भी सब्जी उबाल कर बना रहे हैं, आलू बाबू भी छिलवा रहा है। अंजलि को बोले अंजलि मसाला पीस दो, क्योंकि हमसे मसाला नहीं पिसाता है, अभी सिरिंच लगा हुआ है हाथ में तो ऐसे पीसने में थोड़ा सा दर्द होता है, तो अंजलि पीस के जैसे तैसे दे दी है। अंजलि का अभी खाना बनाने नहीं आता है, क्योंकि अंजलि खाना नहीं बना पाती है, तो हमारा तबीयत जब ख़राब हो जाता है तो अंजलि खाली बना देती है मैगी रोटी बनाकर खाती है और बाबू लोग को भी खिला देती है जैसे तैसे, और हमको बना देती थी लवा भात, बना देती थी खिचड़ी, बना देती थी खिचड़ी दाल का, तो इतनी छोड़ देती है क्योंकि अंजलि बहुत छोटी है, अभी अंजलि से खाना नहीं बन पाता है, अंजलि इतना ही काम करती है। तो अभी हम बना रहे थे सब्जी चावल, क्योंकि हमको सब्जी चावल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन से बाबू और दो तीन दिन से ऐसे मैगी रोटी अंजलि बना देती थी, तो बाबू बोल रहे थे कि मम्मी आज चावल बना दो, तो हमारा तबीयत थोड़ा अच्छा है तो हम सब्जी बना देते हैं, आज सब्जी चावल बना देते हैं, दाल नहीं बनाएंगे, ऐसे भी कुकर भी ख़राब हो गया है तो दाल बनाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो देखिए, इधर हम बना रहे हैं सब्जी चावल, अंजलि मसाला पीस के देकर और चली गई है कपड़ा धोने के लिए, स्कूल का कपड़ा है बाबू का तो धोना है अभी, तो हमारा हाथ से नहीं धोएगा, तो अंजलि अभी धोने के लिए चली गई है। तो हम सोचे कि इधर हम बना देते हैं जैसे जैसे सब्जी चावल, तो अंजलि सारा कपड़ा धो दिया, बाबू स्कूल भी नहीं गया था क्योंकि सुबह में बारिश हो रहा था, और जब से हमारा तबीयत ख़राब हुआ है तब से बाबू भी नहीं जाता है स्कूल और अंजलि भी नहीं जाती है, क्योंकि बाबू का लंच नहीं बना पाते हैं हम, तो बाबू भी नहीं जाता है पढ़ने के लिए और अंजलि भी नहीं जाती है। तो अभी हम बोले तो अंजलि बाबू का कपड़ा है और अंजलि के भी कपड़ा है, अंजलि धो रही है, धोकर और सब कुछ हमको डाल देगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी बारिश खुला है, धूप भी थोड़ा हुआ है, तो हम बोले अंजलि कपड़ा धोकर डाल दो सूखने के लिए, ऐसे तो भी नहीं पाती है अंजलि, जैसे कैसे धो देगी, अगर आज तक नहीं धोगी अभी धो देगी, जैसे कैसे बाबू और अंजलि का कपड़ा है, बाबू लोग का कपड़ा है तो ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो अंजलि धोएगी, बर्तन भी धो देती है। तो सुबह का जो चाय वो हम लोग बनाए थे वो बर्तन है, तो अभी आप देखिए धो रही है, धोकर सब रख देगी, उसके बाद कपड़ा उपड़ा सूखने के लिए डाल देगी। थोड़ा सा धूप निकला हुआ है आज, बहुत दिन के बाद आज बारिश खुला है थोड़ा सा मतलब, तो इधर हम लिप रहे हैं चूल्हा, क्योंकि रात में आंगन में है चूल्हा, तो रात को बनाए थे सब्जी रोटी चूल्हा पर, और गाय के लिए दाना भी बनाए थे तो नहीं लिपे सुबह में क्योंकि बारिश हो रहा था, तो हम सोचे कि लिप देते हैं, धूप निकला हुआ है, अंजलि अच्छा से नहीं लिप पाती है तो हम लिप देते हैं। तो अंजलि कपड़ा धोकर डाल दिए सूखने के लिए, और इधर अंजलि के निकाल रहे हैं खाना, क्योंकि अंजलि के बहुत तेज़ भूख लग गया है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।